बड़ी मार मारेंगे। हबत अल्लाह पे पता है तेरा, कौन फ्लोर पे हबत अल्लाह? नहीं पता, तीसरा है ना जी, ऐसा से फेंकेंगे तो क्या हाल होगा? ध्यान दो इधर, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी को क्या करे, ए बाई बी, और सी बाई डी को सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। आई एन ए से उनने जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी को क्या करे, ए बाई बी, और सी बाई डी को सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, क्रॉस करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर? कंपोनेंडो एंड चले इसको रहने दो। सही बताओ ये वाला बनेगा, बताओ कैसे बनेगा? बहुत आसान है, इसी संख्या को, दो क्वेश्चन अभी छोड़े हैं उसको बाद में बताएं। इसी संख्या n को किससे भाग दिया जाए, चार से, तो शेष कितना बचता है? अब 2n को भाग देना है चार से, शेष किसी संख्या को n, किसी संख्या n को, किसी संख्या n को चार से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 2n को भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 2n को चार से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? इन है, यहाँ देखो, यहाँ पर वन मान लेना है, क्या मान लेना है? फिक्स है, वन मान। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इनका वैल्यू क्या होगा भाई? चार तीन सात। अब यहाँ टू एन कर रहा है ना, तो सात का दुगुना कितना होगा? चौदह। चौदह को चार से भाग देंगे, चरतिया बारह, शेष कितना बचेगा? समझ गया बात। यहाँ देखो कौन सा ऐसा नंबर होगा कि चार से भाग देने पर तीन बचेगा? तो सिंपल सा बात है, सात। सात रहेगा तो तीन बचेगा। अब सात का दुगुना यानी चौदह को अगर चार से भाग दें शेष कितना बचेगा? दो। यहाँ टू एन कह रहा है ना, एग्जाम में एन स्क्वायर भी कह सकता है, एन क्यू भी कह सकता है, समझ गया बात। एन का वैल्यू वेरी भी कर सकता है। किसी संख्या एन से भाग देने पर, एन को चार से भाग देने पर कितना बच रहा है? तीन। तो चार तीन सात हो गया। अब एन स्क्वायर रहता तो सात का स्क्वायर उनचास करते, लेकिन टू एन को, टू एन यानी सात दो चौदह को, चौदह को चार से भाग देने पर क्या बचेगा? चरतिया बारह, शेष कितना बचेगा? ठीक है, चले हो गया। क्या दे देखो, अगला बनाएगा क्या भाई? दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटा कोई भी चीज 100%। 20% बढ़े का मतलब 100। अब 25% बढ़े का मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाता है? तीन बटा, नहीं समझे, कोई भी चीज अपने आप में 100%। 20% बढ़ा 120, 20% घटा तो 80, 10% बढ़ा 110, 10% घटा 90, 20% बढ़ा 25% बढ़ा, बोलो कटेगा? पाँच से क्या बार में कटेगा? 25 बार में। तीन से क्या बार में कटेगा? 40 बार में। एक्स बटा वाई बताओ तो क्या निकल जाए? 25 बटा 40। बोलिए सर, एक्स बटा वाई क्या हो जाएगा? 5 5 25 पनी ठीक। क्लियर? भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। एक्स बटा वाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100%। 20 बढ़ा 120, 25 बढ़ा 120, 25। तीन से काटे 40, तीन पाँच से 40, 24। तीन से 40 बार में, पाँच से 25 बार में, 25 ऊपर 40 नीचे, 5 5 25 पनी अठी 40, 5 बटा 8। क्लियर? दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में 100% ना।
चले, का मतलब अंश बटा हर। 100 था, 20% घटता तो 80, 20% बढ़ेगा तो 100। हो गया, बताओ तो बन जाएगा, बहुत आसान है, खुद से बनाओ। 0.4 रिपीटेशन किसका है छोटू? 7 का। कैसे बनाते हैं इसको याद है? सबसे पहले 47, नालायक को घर से बाहर निकालिए, लायक को 9 रुपया और नालायक को लड्डू। 43/90, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 47, नालायक को घर से बाहर निकालेंगे, लायक को 9 रुपया और नालायक को 0। 47 और बाहर निकाल दिए, लायक को 9 रुपया, नालायक को 0, यानी 43/9 47 लिखे, नालायक को घर से बाहर निकाले, लायक को 9 रुपया, नालायक को 0। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 47, नालायक को घर से बाहर निकालिए, नालायक को 9 रुपया, नालायक को 0। क्लियर? बोलिए सर, बनेगा? थ्री स्टार फोर का मतलब क्या होगा बताओ? सबसे पहले दोनों को जोड़कर क्या डाल देना है? रूट। और टू स्टार थ्री का मतलब क्या होगा बताओ? दोनों को जोड़कर क्या डाल देना है? रूट। क्या होगा भाई? 7+2√3, नहीं क्या हो जाएगा? 5+√6। इन दोनों का घटाव निकालना है, नहीं निकाल लेगा? दोनों को घटाना है, यानी 7+2√3 से घटाना है 5+√6। बोल भाई बनेगा? 7+2√3 -5 -√6, 7 में से 5 गया, 2+2√3 -√6, नहीं। सबसे पहले 3, 4 जोड़े और दोनों को रूट में डाल दिए, 2, 3 जोड़े दोनों को रूट में डाल दिए, 7+2√3 -√5, 5+√6, साइन चेंज करेंगे, 2+2√3 -√6। जो फॉर्मेट दिया हुआ था उस फॉर्मेट के आधार पर बदल दिए, और दोनों का साइन माइनस लिखा हुआ था तो दोनों को घटा लिए। हो गया? नहीं बोला मैं, कुछ खास है नहीं, तो बहुत आसान था, है ना? हो गया? बोल भाई बनेगा क्या, जल्दी बताओ कम बनेगा? क्या कॉमन लेंगे बताओ? पूरे इक्वेशन में से क्या कॉमन ले ले? 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कहाँ तक गया? 20 तक गया। क्या कॉमन लिया पता चला? 2 का स्क्वायर कॉमन ले, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 1 से लेकर 20 तक का जोड़ कितना दिया हुआ? 2800। बोलिए, 4 7 28, 4 8 32 2 34, 4 2 8 3। खास तो किए नहीं, पहले भी डिस्कस किए थे इस तरह। 2 का स्क्वायर कॉमन ले ली, 4 कॉमन ले ली,
एक से लेकर 20 तक का जोड़ दिया हुआ था, बस कैलकुलेशन मार दी। नहीं, 2 का स्क्वायर क्या कर लिए कॉमन, हो गया। बोलिए सर क्या ख्याल है, क्या कॉमन लेंगे बताओ, बोल जल्दी। 2 का क्यू कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा 1 का क्यू 2 का क्यू कहाँ तक जाएगा बताओ, क्या 2 का क्यू क्या होता है 8, इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 25, बोलिए बना लेंगे। 2 का क्यू कॉमन ले लिए 8, और 1 से 10 तक का वैल्यू दिया हुआ था 30 25, बस कैलकुलेशन था, ओवरऑल कर लीजिएगा गुना, कितना हो जाएगा बताओ। छब्बीस हजार, 26 हजार तो नहीं है, 24 हजार, 24 हजार। नेक्स्ट बनाएंगे क्या, बोल भाई कैसे बनेगा बताओ, एक्स का वैल्यू क्या रखें, शाम में आपके पास ऑप्शंस जरूर होंगे, 1 2 3, एक्स के जगह क्या रखें कि रूट से बाहर आ जाए बताओ, 4 रखिए, 5 रूट 4, 12 रूट 4, 13 रूट 4, बोल भाई रूट फोर का वैल्यू 2, 12 का 2, 13 का 2, 25 प्लस 144, 169 इज इक्वल टू 160, वेट कर रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा मानेंगे, क्लियर, क्या रखे कि सेटिस्फाइड करे, क्या रखे कि सेटिस्फाइड करे, तो 4 रखेंगे क्योंकि रूट से बाहर आना चाहिए, क्या ऐसा वैल्यू रखा जाए सेटिस्फाइड करे, तो 4 रखिए, नहीं ऑप्शन, ऑप्शन से बनाना यहाँ पे ज़्यादा बेहतर, हो गया। चले भाई बताओ ये इससे कितना ज़्यादा है, दोनों को घटाना है, घटा लोगे, ये इससे ये कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा है इससे, इससे 3 रूट 7 माइनस रूट 5, बोल भाई साइन चेंज, 5 रूट 7 माइनस 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 7 प्लस 4 रूट 5, बोल भाई 5 गधा में से 3 गधा गया 2 गधा, 4 गधा में से 2 गधा गया 2 गधा, तो कॉमन ले लीजिए, समझ गया क्या कि कितना ज़्यादा है, जैसे 10 8 से कितना ज़्यादा है 2, माइनस किए, ये इससे कितना ज़्यादा था, दोनों माइनस किए, तो 5 गधा में से 3 गधा गया 2 गधा, 4 गधा में से 2 गधा गया 2 गधा, पॉजिटिव वाला बड़ा था तो पॉजिटिव लगा दिए, तो क्या कर लिए कॉमन, तो क्या कर लिए कॉमन, इतना ज़्यादा
हो गया। समझ गया ना? बोलिए सर, क्या ख्याल है, बोलो कौन सा फॉर्मेट है? फॉर्मूला दिए थे ए क्यू माइनस बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इनर फॉर्मेट है, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? ए माइनस 2.3 माइनस 1.1। समझिए क्या किए, फॉर्मेट दिए थे छह फॉर्मेट, क्यूबिक फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्मेट है? क्यूबिक फॉर्मेट, ये वन का क्यू है, क्यूबिक फॉर्मेट में माइनस है तो डायरेक्ट ए माइनस बी, क्यूबिक फॉर्मेट में माइनस है तो डायरेक्ट ए माइनस बी, प्लस होता तो ए प्लस बी, याद आया? छह फॉर्मूला दिए थे तो क्यूबिक फॉर्मेट में है, माइनस है तो ए माइनस बी, क्यूबिक फॉर्मेट में अगर प्लस होता तो ए प्लस बी करते, क्योंकि क्यूबिक फॉर्मेट में माइनस है तो ए माइनस बी, क्यूबिक फॉर्मेट में प्लस होता तो डायरेक्ट ए प्लस बी। क्लियर ना? क्यूबिक फॉर्मेट है, माइनस है ए माइनस बी, अगर प्लस होता ए प्लस बी। चले, क्यूबिक फॉर्मूला इस तरह का बताया है पहले भी, बताया देखा भाई? हाँ बताओ, बनेगा? ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, बोलिए यही बनेगा, ये बहुत आसान है, बताओ। भाग में पावर क्या होता है बताओ? घटता है ना, लिख सकते क्या? 7 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर, नहीं 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5, बेस सेम तो पावर भी इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर। भाग में पावर क्या होता है? घटता है, घटा लिए, नहीं रूट 5 माइनस रूट और स्क्वायर तो खत्म हो गया, रूट 5 का स्क्वायर रूट 25, बाहर निकलेगा तो 5, 5 का पावर 1, 5 का पावर p, बेस सेम तो पावर भी सेम, का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 1, का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 1। चले बोलिए सर, क्या ख्याल है, बनेगा? एग्जाम में ऑप्शन जरूर होंगे, 1, 2, 4 क्या रखा जाए कि सेटिस्फाइड कर जाए, बोलो? रूट से बाहर निकलने लायक कौन है? 4, 4 रख के देखो, पहले 4 रख के देखो, यहाँ 4 × 4 − 9 आई एक्स का वैल्यू 4 × 4 + 9 5 + √7 आना चाहिए, देखो तो 16 में से 9 के लिए 7, 16 × 9 = 30, बस 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 और का √7 + 5 सेटिस्फाइड कर रहा है भाई, एकदम सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या रखने पे सेटिस्फाइड कर रहा है? 4, क्या रखा जाए कि रूट से बाहर निकल जाए, तो ऑप्शन रख दीजिए, नहीं ऐसा चीज रखिए कि रूट से बाहर निकल जाए, सेटिस्फाइड कर जाए, 4 रखने पे सेटिस्फाइड कर रहा है, तो बाई ऑप्शन बनाना इसको ज़्यादा बेहतर, इसे बनाना बेहतर है ऑप्शन। आइडिया मिला? नहीं तो स्कूल वाला मेथड से बनाते थे, जानते हो कैसे बनाते हैं? एक ओने भेजते हैं, दोनों और स्क्वायर करते, फिर एक बार और स्क्वायर करते, बहुत लंबा जाता है, 10th क्लास से पढ़ना था ये वाला, इसको उधर भेज के फिर स्क्वायर करके, नहीं समझे पा, बहुत लंबा जाता है, तो भाई ऑप्शन बना, ऑप्शन से बना दीजिए टाक से ना। हो गया? बोलिए सर, बन जाएगा? क्या कर सकते, 3 × 2x − y, 3 × x + y, 3 × क्या हो जाएगा 27 को लिख सकते ना,
किया 9 × 27 और जो रूट था वो इधर चलाया, तो बेस सेम तो पावर भी सेम, 2x - y = 3/2 और x + y = 3/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा, और x और y का वैल्यू वहाँ खाली पुट कर नहीं, 27 को नहीं लिख सकते, जैसे रूट 27 है ना भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का पावर 3 या 2 छिपा हुआ है तो 3 का पावर क्या चल 3/2 होगा ना। बेस सेम तो पावर सेम, यहाँ काटोगे तो x का वैल्यू भी आ जाएगा, y का वैल्यू भी आ जाएगा, पुट कर दोगे तो आराम से निकल, क्या काटो तो क्या होगा, 3x = क्या हो जाएगा 1.5, 3 एक्स का वैल्यू 1 निकल, x जब 1 निकल गया तो पुट कर लो, इसके जगह 1 पुट करोगे 2/2, वाई का वैल्यू 2 - 2/2, वाई का वैल्यू 1/2, एक्स भी निकल गया और वाई भी निकल, बोलिए तो बन जाएगा का पावर क्या होगा 1 - 1/2, तो 3 का पावर 1/2 रूट। एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के पुट कर देना, चले हो गया, चले भाई बोलिए, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, इसको रहने दीजिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो प्लस या माइनस कुछ होना चाहिए, यहाँ पर या प्लस या होता तो यहाँ पर ये सेट होता, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में इसको छोड़ दे, सब भी ऑप्शन से ही बनता है, तो बनाओ ये 10 + √99। इसका जब कैलकुलेशन करोगे ना भाई तो ये इसी का कंजुगेट निकल, 10 + √99 इसका निकलेगा 10 - √99, और ये 10 + √99 जो ये है वही ये निकलेगा कंजुगेट फॉर्मेट में, पाई इक्वल टू 1 / a + b a - b क्या होगा, a² - b² पाई, 100 में से 99 गया 1/n का वैल्यू क्या निकल गया बताओ, ठीक है, इसका जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे नीचे से सब कटता चला जाएगा, एक कंजुगेट वाला फॉर्मेट आ जाएगा, इसी का जस्ट कंजुगेट निकलेगा 99 a - b और a + b a² - b² बाई m, 100 में से 99 गया 1/m 1/2 a 1 का वैल्यू क्या निकल गया 2 का वैल्यू क्या निकल गया, क्या अगर नहीं कहते हो तो बना के दिखा देते हैं, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लोगों क्या होगा, √11 - 9 / √11 × 9 यहाँ पर क्या होगा भाई, √11 + √9 और √11 × 9 खत्म हो गया, तो √11 - 9 और √11 + 9 कुछ याद आया, पर्सनलाइजेशन सीखा था, √11 का² 11, √9 का² 9, 11 9 20 कैसा साइन, -2 अपने मन से 11 - 99 गैपिंग कितने का 2 का कटेगा तो क्या होगा 10 - √9 याद आया, तोड़ना सिखाते ना इसका कंजुगेट, √11 का² 11, √9 का² 9, 11 9 20 कैसा साइन, -2 अपने मन से 11 - 99 गैपिंग कितने का 2 का, इस फॉर्मेट जो सिखाए थे उसी पे हम लोग अप्लाई, चलो याद करो ना क्या बताया, √3 + √2 / √3 √3 का² 3 √2 का² 2 3 2 5 कैसा साइन, +2 अपने मन से गैपिंग कितने का, इसी आधार पे सॉल्व ना,
चलिए नेक्स्ट देख, बोल भाई कहने गई वाला बहुत आसान है, सबको 3 के पावर में कन्वर्ट कर दो, का पावर क्या हो जाएगा बताओ, 2 माइनस 3 का पावर 2 होगा, 2 से गुना होगा, 2 दूना 4 माइनस 4 3 का पावर 3, भाग में गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है नहीं, अब भाग में पावर जो होता है वो क्या हो जाता है, बोलो बन जाएगा का पावर 2 माइनस x प्लस 4x माइनस 4 माइनस, बोल भाई क्या हो जाएगा बताओ, 3x 4, ये तो खत्म हो गया, 3 का पावर -2 1/3 का पावर 2 1/9, क्या किया पता चला, सो क्या लिख सकते, 3 का पावर 2 कर सकते, 2 से खाली गुना हो गया, 2 दूना 4x माइनस 4, गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर क्या होता है घटता है, गुना में पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, भाग वाला घट जाता है, सॉल्व करेंगे x 4x और x 3x खत्म हो गया, 3 और 1 4 4 खत्म, 2 में से 4 गया -2, पावर निगेटिव नीचे में जाके पॉजिटिव 1/9, पावर निगेटिव नीचे में जाके पॉजिटिव, क्लियर, तो 3 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, 3 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, हो गया चला जाए भाई बन जाएगा, बोलो जल्दी जाएगा ना, तीनों के पीछे 1 2 3 4 और 1, पहला कौन है छोटू और आखिरी कौन है, 1 2 3 4 5, पहला कौन 1 आखिरी कौन 16, 1 2 3 4 5, पहला 1 आखिरी 16, क्लियर, लास्ट है सर बना लेंगे जल्दी, बनेगा 1 2 3 4 5 6, पहला कौन है आखिरी कौन है, इसे क्या बार में क्लियर, गैपिंग से बना दे 1/गैपिंग कितने का बताओ, पहला टर्म कौन 1/3, आखिरी टर्म कौन 1/5, 1/2 एलसीएम लीजिए, 2 ना 15 का -3, समझ रहा है बात क्या हो जाएगा, 1/2 12/2 ना 2 से क्या बार में लगाएं या डायरेक्ट पहला और आखिरी, कोई गैपिंग नहीं, ठीक है, फॉर्मूला पे लगाओगे तो 1/गैप फर्स्ट माइनस। चलो आज के लिए काफ़ी है इतना, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन का लगभग आइडिया आपको मिल गया होगा थोड़ा बहुत, नहीं क्या प्रैक्टिस करने का चीज़ है, जितना क्वेश्चन ढूंढो प्रीवियस ईयर में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास